हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भवन विद कुकिंग। आज मैं लाल लोबिया का अप्पम बनाती हूँ। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसके साथ मैं कुछ सब्जी भी ऐड करूंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने हाफ कप लाल लोबिया लिया। आप ज्यादा कम ले सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लोबिया को अच्छी तरह से साफ करने के बाद इसे ओवरनाइट सोक कर लिया। सब्जी में मैं ले रही हूँ ग्रेटेड मशरूम। यहाँ 4-5 बड़े मशरूम था, उसको मैंने ग्रेट कर लिया। थोड़ा सा चॉप्ड कैप्सिकम लिया, थोड़ी सी चॉप्ड ऑनियन लिया और थोड़ा सा ग्रेटेड गाजर लिया। सब्जी आप मनपसंद ले सकते हैं, जो आपको पसंद है वही ले सकते हैं। दाल का पानी को मैं पहले ड्रेन आउट कर लेता हूँ। पानी बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाने के बाद ही इसको ग्राइंडर में पीसना है। दाल का पानी बिल्कुल ड्रेन आउट हो गया है, इसे एक जार में डाल देती हूँ और साथ में 2 चम्मच दही डालूंगी, फिर इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। दाल ड्रेन आउट करने के बाद जो पानी था इसे फेंकना नहीं है, इसे आटा गूंथ लेना है। दाल मेरा पिस गया है, इसे एक बोल पे निकाल लेती हूँ। ये बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं करनी है, बस दाल पिस जाना चाहिए। थोड़ा सा रफनेस होगा तो अच्छा बनेगी आपका अप्पम। कंसिस्टेंसी भी इस तरह से ठीक होनी चाहिए। और पहले मैं 2 चम्मच दही डाला था, बाद में और 2 चम्मच दही डालना पड़ा था इसको पीसने के लिए। अब दाल की पेस्ट में सारी वेजिस डाल देती हूँ। प्याज डाल देती हूँ, गाजर, कैप्सिकम और मशरूम अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा हींग डालती हूँ, 1 छोटी चम्मच इनो पाउडर डालती हूँ, टेस्ट के अनुसार मिर्च पाउडर और नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। अब इसमें 1 चम्मच तेल डालूंगी। इसके अंदर तेल डालने से जब मैं इसको कुक करूंगी अंदर तक अच्छी तरह से कुक होगा। तो तेल को भी बैटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। पहले मोल्ड को मैं ग्रीस कर लेती हूँ। बैटर को एक बार फेंटे थोड़ा थोड़ा बैटर हर एक होल में डाल देती हूँ। सारा होल फिलअप हो गया है। अब गैस ऑन कर देती हूँ और स्लो फ्लेम पे इसे 3-4 मिनट कुक करती हूँ। 3-4 मिनट हो गया है, अप्पम का कलर देख के पता चल रही है जी एक साइड हो गया है। अब इसे टर्न कर देती हूँ। अप्पम मेरा सारे टर्न हो गया है। अब ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके तेल डाल देती हूँ, जिससे दूसरे साइड भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। लिड को कवर करके इसे स्लो फ्लेम पे 2-3 मिनट पकाती हूँ। 2-3 मिनट हो गया है, एक बार चेक करते हैं। हाँ, अप्पम बिल्कुल आपका दूसरे साइड भी पक गया है। गैस बंद कर देती हूँ और लिड को कवर करके इसको थोड़ा सा स्टैंडिंग टाइम देती हूँ। अप्पम रेडी है। अब इसे एक ट्रे पे निकाल लेती हूँ। बहुत ही अच्छी अप्पम बनी है, स्वादिष्ट बहुत होता है। पहले भी मैंने बहुत बार इस अप्पम को बनाया था और इसे सर्व करूँगी कोकोनट चटनी के साथ। तो मेरा नाश्ता आज रेडी है। होप आपको भी अच्छा लगा ये रेसिपी। आप भी बनाइए और अपना ओपिनियन शेयर ज़रूर कीजिए मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। थैंक्स फ्रेंड मेरे वीडियो देखने के लिए। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कोई और एक रेसिपीज के साथ। बाय, हैव ए गुड डे।